Hey guys, welcome back to my channel. So, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी स्पेशली अगर आप अपनी वेडिंग के लिए लुक करना चाहते हैं बट आप बहुत ज्यादा आई शरोज नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से, से आप तीन आई शरोज को यूज करके ये लुक क्रिएट कर सकते हैं एंड यूजिंग ओनली थ्री brushes. तो अगेन आपको ज्यादा ब्रशेज में भी, भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए और अगर आप अपनी वेडिंग में खुद का मेकअप करना चाहते हैं तो इस तरह का लुक क्रिएट करें जो मैंने कलर्स यूज़ किए हैं वो मोस्टली हर कलर की ड्रेस के साथ जाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉपरिश लुक है तो कॉपर कलर एक ऐसा आयशरह है जो हर कलर की ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करता है आप चाहे गोल्डन ड्रेस पहन लें रेड पहन लें अगर आप ग्रीन कलर की ड्रेस भी पहनते हैं उसके साथ भी ये लुक बहुत अच्छी लगेगी तो ज़रूर ट्राई करके देखें अगर आपको डिफरेंट कलर्स की ड्रेसेस के साथ और लुक सीखनी है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे तो आप जरूर चेक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को तो अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से तीन आई और तीन को यूज़ करके लुक क्रिएट कर सकते हैं देन प्लीज़ कीप ऑन तो मैं ब्राउज पहले फिल कर लूंगी उसके लिए मैं डिप ब्राउ पॉमेड यूज कर रही हूँ ये वाला जो मैंने यूज किया वो बेनिफिट का है उसमें आपको दो आ, मिल जाएंगे एक क्रीम प्रोडक्ट है और एक पाउडर तो मैं लाइटली कर फिल, फिल, तो फिल करते जाएं। तो कलर हमेशा आपको कोशिश करनी है थोड़ा डार्क यूज करें अकॉर्डिंग टू योर ब्राउन हेयर बहुत ज्यादा डार्क नहीं यूज करना अब उसके बाद जो पाउडर साइड है उससे मैं हल्का सा फिल कर लूंगी ताकि जो क्रीम साइड है वो अच्छे से सेट हो जाए आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस क्योंकि मुझे पर्सनली कंसीलर बहुत अच्छा लगता है एज अ बेस अगर आपको कंसीलर नहीं यूज़ करना तो आप आई शर प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो मेरी आईलिथ हैं वो अच्छे से प्राइम हो जाए और आप देख सकते हैं पिगमेंटेशन हाइड हो गई है तो अच्छे से आप उसे ब्लेंड करें आप चाहें तो आप डैम स्पंज के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं अब लाइटली मैं पाउडर अप्लाई कर लूँगी ताकि बेस जो है वो बहुत ज्यादा स्मूद हो जाए आई मेकअप के लिए मैं जेफ्री साह पलट यूज कर रही हूँ मॉफी की तो सबसे पहले आपको ये वाला शेड लेना है और पहला जो ब्रश होगा आपको इस तरह का टेपर ब्रश यूज करना है मैं ब्रशेस की डिटेल्स नीचे मेंशन कर दूंगी तो फर्स्ट ब्रश होगा ये वाला और फर्स्ट कलर आपको जो यूज करना है वो इस तरह का ब्राउन शेड यूज करना है क्योंकि ब्राउन शेड बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है इंडियन स्किन को स्पेशली और डायमेंशन एड करने के लिए बहुत अच्छा है लाइटली मैं रीअप्लाई कर रही हूँ सेम कलर और अच्छे से आप ब्लेंड करते जाएं तो इस आय शरो से आपको ब्लेंड करना भी इजी हो जाएगा नेक्स्ट मैं थोड़ा डीपर शेड यूज कर रही हूँ ये वाला तो सेकेंड शेड ये होगा और सेम ब्रश यूज कर रही हूं तो एक्स्ट्रा ब्रश आपको यूज करने की जरूरत नहीं है इसको मैं फोकस करूंगी अपने आउटर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ तो स्मोकी लुक है ये तो इस तरह से आप एक्सटेंड करते जाएं और ब्लेंड करते जाए इसको अब लाइटली रीअप्लाई कर रही हूं जो मैंने पहले आई शेर अपलाई किया था उसके साथ अच्छे से दोनों शेड्स को ब्लेंड कर लूंगी इस तरह से ताकि बहुत ज्यादा पैच ही ना लगे कलर क्योंकि आप देख सकते हैं डार्क शेड थोड़ा सा पैच ही लगता है तो उसे ब्लेंड करने के लिए आप पहला लाइट जो शेड आपने यूज किया वो अप्लाई करें अब मैं सेम वो डार्क शेड यूज कर रही हूँ और पूरी आईज पे अप्लाई कर लूंगी तो पहले मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे इसलिए फोकस किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा विंग एक्सटेंड करना था स्मोकी लुक के लिए अब मैं पूरी आईलिथ पे सेम शेड जो डार्क ब्राउन यूज किया है मैंने सेकेंड वाला वो अप्लाई कर रही हूं और कोई आपको एक्स्ट्रा ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है आप देख सकते हैं मैं सेम ब्रश के साथ यूज कर रही हूं अब ब्लेंड करना बेहद जरूरी है तो अच्छे से ब्लेंड करते जाए तो अगेन आपको ब्लेंडिंग ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है इस ब्रश के साथ आप अच्छे से इसे इस तरह से ब्लेंड ब्लेंडिंग ब्रश है तो ध्यान रखें अब मैं हल्का सा रीअप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जितनी आपको पिगमेंटेशन चाहिए आप रीअप्लाई करें क्योंकि मैंने एज अ बेस कुछ भी क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज किया बट अगर आप थोड़ा सा डार्क लुक करना चाहते हैं तो आप जेल लाइनर ब्लैक कलर का यूज कर लें या ब्राउन कलर का एज अ बेस अच्छे से अब मैं ब्लेंड कर लूंगी आउटर कॉर्नर से मोस्टली आपको होता कि जब भी आप डार्क शेड अप्लाई करें तो आउटर कॉर्नर्स थोड़ी सी पैची लगते हैं तो आप सर्कुलर मोशन में इस तरह से ब्लेंड करें और एक्सटेंड करते जाएं ताकि आपकी आउटर कॉर्नर्स अच्छे से ब्लेंडेड लगे और फिर बैक इन फोर्थ करके आप ब्लेंड कर सकते हैं इस वे में अब थर्ड आई शेरो के लिए मैं ये शिम प्रेस है गोल्डन कलर के वो यूज करी हूँ और सेकेंड ब्रश मैंने इस तरह का स्मॉल फ्लैट आई शेरो ब्रश यूज किया है तो आप इस तरह का ब्रश यूज कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है ये तरीका इससे आप कोई भी कलर का जो प्रेस लेटर्स होंगे वो अप्लाई कर लें तो ये फ्लैट सिंथेटिक ब्रश है तो आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अब सेम स्टेप्स मैं रिपीट करूंगी दूसरी आंख पे सेम ब्रशेस यूज करने हैं आपको और सेम आई तो जो लाइटर शेड है पहले मैंने वो अप्लाई कर लिया था इस तरह से सेम ब्रश के साथ अब पूरी आईज पे मैंने जो सेकंड शेड था डार्कर वाला वो अप्लाई किया है और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी आउटवर्ड्स सेम तरीके से और सेम ब्रश अगेन आपको यूज करना है तो अब तक मैंने सिर्फ दो ब्रशेस यूज किए हैं और अच्छे से आप ब्लेंड करते जाएं इस तरह से तो ब्लेंडिंग में थोड़ा टाइम लें ताकि काफी ब्लेंडेड लगे आपकी लुक अब सेम जो मैंने ब्रेसलेटर्स अप्लाई किए थे उसको मैं अपनी ब्राउबोन पे अप्लाई करूंगी और जो मैंने सेकेंड ब्रश यूज किया था उससे अप्लाई कर लूंगी अब दूसरी आंख पे मैं प्रेस प्रेसलेटर्स यूज कर रही हूं आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं प्रेस प्रेसलेटर्स आपको एक्स्ट्रा ब्रश भी यूज करने की जरूरत नहीं है उसके साथ अब नेक्स्ट मैं फॉल्स एशेज अप्लाई करी उसके लिए मैंने ये लाशेज फ्लोरस की हैं ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है अगर आपको इंडिया के लिए लाशेज चाहिए तो आप, आप बिफुलन लाशेज ट्राई करें ऑन अमेजन तो मैं अच्छे से स्टिक कर लूँगी लाशेज को काजल के लिए मैं मेवरिंग का जेल लाइनर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये स्मच प्रूफ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है तो मैं दोनों आंखों में अप्लाई कर लूँगी अब थर्ड ब्रश मैं यूज कर रही हूँ पेंसिल ब्रश और आयशर मैंने जो मैंने सबसे पहला आई यूज़ किया था उसी के साथ इस तरह से ब्लेंड करूंगी तो तीन आई शर्स यूज किए हैं और तीन ब्रशेस सिंपल लुक है तो दूसरी आंख पे भी इस तरह से आपको आउटोर कॉर्नर से स्टार्ट करना है और इनवर्स लेके आना है अब इनर कॉर्नर्स के लिए मैं सेम प्रेस क्लेटर्स यूज कर रही करी और सेम जो मैंने फ्लैट ब्रश यूज किया था सेकेंड वाला उससे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी इनर कॉर्नर्स पे मस्कारा के लिए मैंने मेबलिंग का मस्कारा यूज किया है अच्छे से कोट करें और लोअर लैशेज पे जरूर कोट करें सो दिस इज द फाइनल लुक तो देखा आपने किस तरह से आप तीन आई शेरोज को यूज करके और सिर्फ तीन ब्रशेस को यूज करके वेडिंग के लिए ये लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं नाउ इट डिपेंड्स कि आपको कौन से कलर के आई शरोज यूज करने हैं अगर आप थोड़ा डिफरेंट लुक करना चाहते हैं तो आप किसी भी कलर के आई शेरोज यूज कर ले बट ध्यान रखें अगर आप तीन आई शर्ज यूज करना चाहते हैं एक लाइटर शेड ले लें एक थोड़ा सा डीपर और कोई भी आप प्रेस क्लेटर्स यूज कर सकते हैं जरूर ट्राई करके देखें स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है ये वीडियो जो कहते हैं कि हमें ज्यादा ब्रशेज नहीं यूज करें तो आपको बहुत सारे ब्रशेज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप क्विकली ये वाला लुक क्रिएट करके देखें अगर आप रिक्रिएट करें ये वाला लुक तो प्लीज मुझे टैग जरूर करें ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इज वेल थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग बाई गाइज यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर